कुछ आखिरी पल, कुछ आखिरी लम्हे एस के साथ हमको है जीने, लेकिन सिर्फ वो सिर्फ यार 11 एपिसोड ही बचे हैं। अब हम यार एस को पूरी तरीके से विदाई कैसे दे पाएंगे सोचते हुए भी मुझे दुख होता है, बिकॉज यार इन 11 एपिसोड के बाद यार एस की जर्नी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब यार हम क्या करेंगे, लेकिन बहुत सारी मिस्ट्रीज है क्वेश्चन से, जैसे कि यार पोकेमोन मास्टर होता क्या है। एपिसोड 1 से लेके आज तक यार एस के साथ यही बोलता आया है पोकेमोन मास्टर बनना है, घंटा ये होता क्या है हमको अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन इस 11 एपिसोड की सीरीज में हमको ये बताया जाने वाला है, बिकॉज गैरी ने साफ साफ एस के सामने यही सवाल पूछा, अबे नल्ले यहाँ पे आ, वर्ल्ड चैंपियन तो बन चुका है लेकिन पोकेमोन मास्टर तू कब बनेगा, कितना क्लोज पहुंचा है तू बे। तो यार एस का जवाब कुछ भी नहीं था, डेट्स मीन यार इस क्वेश्चन का आंसर तुमको मिलने वाला है लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद, और इस सीरीज का नाम ही M2B पोकेमोन मास्टर है, तो यार इसका लफड़ा क्या है बात करते हैं। लेकिन अगर एस केचम यार एनिमे सीरीज से नहीं जाता है ना तो मजा आ जाएगा, और ऐसा हो सकता है अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो। तो यार दोस्तों एस के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, और वो ये है, विदाई की घड़ी है आई, सबकी आंखों में आंसू है लाई, आपकी पूरी हो हर अभिलाषा, दुआ ये सबकी जुबान पर है आई। यानी कि इमोशनल में होता जा रहा हूं, ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। बात करते हैं पोकेमोन मास्टर के बारे में। तो यार पोकेमोन मास्टर होता क्या है हमको तो ये बात तो पता है ना, पोकेमोन मास्टर मतलब यार दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर, और यार इसमें यार तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा हो ही ना, ये होता है पोकेमोन मास्टर। लेकिन इसको बना कैसे जाता है, क्या इसकी कोई लीग होती है जैसे कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज हुई, क्या वैसी पोकेमोन मास्टर की भी लीग होती है, वी डोंट नो, हमको कुछ भी अता पता लापता नहीं है। मतलब यार पोकेमोन वाले स्टार्टिंग से हमको बताते आ रहे हैं लेकिन इतना सा हमको हिंट तक नहीं दिया कि पोकेमोन मास्टर बनते कैसे है। तो यार मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एस के चम को भी यार पता नहीं होगा पोकेमोन मास्टर बनते कैसे है, उसको ये बात तो पता है पोकेमोन मास्टर होता क्या है लेकिन उसको बना कैसे जाता है, कैसे उस टाइटल को अचीव करे। तो यार ये बात यार एस के चम जो है प्रोफेसरों से पूछ सकता है, बिकॉज गैरी ने एस को ये बात पूछी है प्रोफेसरों की लैब में, और यार दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञाता पोकेमोन के बारे में जानकारी एक ही बंदे के पास है और वो है प्रोफेसर ओक। तो एस प्रोफेसरों के पास जाएगा और उनको पूछेगा कि मैं अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ तो पोकेमोन मास्टर कैसे बनूँ, जल्दी बताओ प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बताएंगे ऐसे ऐसे बनना है, हमको रास्ता मिल जाएगा, फिर एस के जम एक नए सफर पे निकलेगा जहाँ पे यार वो मिस्ट्री से मिलेगा, ब्रोक से मिलेगा, और एक न्यू जर्नी पे निकलेगा, और वो होगी पोकेमोन मास्टर की जर्नी। और यार सोच सकते हो ना कि यार ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यार बचपन की यादों से भरा हुआ होगा, बिकॉज एस के जम ने अपनी जर्नी को शुरू किया था मिस्ट्री और ब्रोक के साथ में ताकि वो पोकेमोन मास्टर बन सके, लेकिन उन्होंने बीच में जर्नी को क्वाइट कर दिया था, लेकिन वो वापस से रिज्वाइन करने वाले हैं एस के साथ यार नए सफर पर। तो यार सोच सकते हो ना मिस्टी ब्रोक एस को वापस ज्वाइन करेंगे, और यार तीनों के तीनों निकलेंगे एक ही सफर पर जो कि वो पहले निकले थे, और वो है पोकेमोन मास्टर बनना। और यार एंड में आते आते एस किस्म पोकेमोन मास्टर बन भी जाएगा, लेकिन इस बार मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, यस यू आर राइट, मैं नहीं चाहता कि एस पोकेमोन मास्टर बने, एंड में जाके वो इतनी बुरी तरीके से हार जाए ना। एस किस्म बोले अभी नहीं, अभी मुझे और मेहनत करनी है पोकेमोन मास्टर बनने के लिए, अभी मैं मेरी जर्नी को क्वाइट नहीं कर सकता, मेहनत करूँगा और वापस चैलेंज करूँगा पोकेमोन मास्टर को। अगर ऐसा होता है ना, मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा हो, मैं कतई नहीं चाहता कि एस किस्म जीते। तुम लोग बोलोगे कैसा फैन बे, तो एस की हार देखना चाहता है, हाँ मैं एस का फैन हूं, लेकिन मैं एस की हार भी देखना चाहता हूं, बिकॉज अगर एस किस्म हार जाता है ना तभी हम फैंस का फायदा है, बिकॉज अगर वो जीत गया तो उसकी जर्नी एंड हो जाएगी और ये कोई भी फैन नहीं चाहता। दैट्स व्हाई यार एस हारे, मैं तमन्ना करता हूं, आरसीएस को बोलता हूं कि एस को हरा दे पोकेमोन लीग में जो कि होने वाली है पोकेमोन मास्टर लीग। यस भले तुमको यार मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, लेकिन यार ये दिल है, दिल मानता नहीं है कि एस को अलविदा बोले, और एस को रोकने एक ही उपाय है कि वो पोकेमोन मास्टर नहीं बन पाए। लेकिन तुमको लग रहा होगा पोकेमोन मास्टर बनने के लिए किसी ना किसी को तो चैलेंज करना पड़ेगा ना, तो वो बंदा कौन होगा? तो यार वो बंदा कोई भी हो सकता है, टोबायस भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि टोबायस हो, बिकॉज यार वो थोड़ा सा यार वियर्ड लगेगा, बिकॉज यार एस किस्म को जिससे फाइट करना था उसने ऑलरेडी इस बंदे से फाइट कर ली है, तो यार वो सेंसिबल बात नहीं होगी ना, समझ रहे हो ना? तो मैं चाहता हूं कि यार कोई ऐसा बंदा हो जिससे एस किस्म ने कभी मुकाबला नहीं किया, लेकिन उसका पर्सनल कनेक्शन हो उसके साथ,
यानी कि एस केचम के फादर। अगर एस के फादर आ जाते हैं पोकेमोन मास्टर के रूप में, एस उसको डिफीट कर देता है या फिर उनसे मुकाबला भी करता है ना फिनाले में पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर, तो यार ये सोचने वाली बात होगी और इंटरेस्टिंग बात होगी। बिकॉज हम लोग यही चाहते हैं कि यार पोकेमोन मास्टर भी हमको रिवील हो जाए और यार एस के फादर भी रिवील हो जाए, तो क्या हो ये दोनों बातें एक ही हो, पोकेमोन मास्टर जो हो और एस के फादर जो हो दोनों एक ही हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या हो एस की मोमी इसको बताए कि तुम्हारे फादर ही पोकेमोन मास्टर है, तो ये कितना ज़्यादा फंटेस्टिक होगा, तुमने कभी सोचा है? और दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि पोकेमोन मास्टर जैसी कोई चीज़ हो ही ना, एस को ऐसे ही यार पागल बनाया गया हो। जब एस के फादर यार घर को छोड़कर चले गए होंगे तो यार एस की मोमी ने इसको बताया होगा कि यार तुम्हारे फादर पोकेमोन मास्टर बनने गए हैं, और एस एकदम तभी से यार मुझे पोकेमोन मास्टर बनना है पोकेमोन मास्टर बनना है ऐसा बोल रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, बिकॉज यार अगर ऐसा हो जाता है तो यार इसका मतलब तो यही है एस शुरुआत से ऐसे गोल के पीछे पड़ा हुआ है जो कि कुछ है ही नहीं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, पोकेमोन मास्टर जरूर से होंगे और वो एस के फादर ही होने चाहिए, और एस एकदम उनसे काफ़ी बुरी तरीके से हारना चाहिए, बिकॉज बाप बाप होता है। लेकिन फिर भी एक पल के लिए मान लेते हैं एस के फादर जो है नहीं होते हैं पोकेमोन मास्टर, तो एस एकदम किससे मुकाबला करके पोकेमोन मास्टर बनेगा? सोचा है कभी? तो मैं बताता हूँ, अगर एस के फादर नहीं होते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर ओक भी हो सकते हैं, बिकॉज मांगा में वो एक बार पोकेमोन चैंपियन और मास्टर भी रह चुके हैं अपने समय में। तो अभी करंट वर्ल्ड का पोकेमोन मास्टर और कोई नहीं प्रोफेसर ओक को, तो यार देखने में मजा तो आएगा, लेकिन ये प्लॉट जो है कहीं कहीं सुना सुना लग रहा है। यस सेम टू सेम प्लॉट तो वही है जो कि एरोला में यूज हुआ था, प्रोफेसर कुकुई जो थे एक काइंड ऑफ एरोला के चैंपियन उभर के हमारे सामने आए थे, वो एक तरीके से चैंपियन नहीं थे लेकिन चैंपियन लेवल ट्रेनर थे। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम प्लॉट का यूज हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये यूज हो। तो यार अगर इसके फादर भी नहीं होते हैं, प्रोफेसर ओक भी नहीं होता है, टोबायस भी नहीं होता है, तो कौन होगा वो बंदा? ऐसा ना हो जाए कि एस की मोमी पोकेमोन मास्टर निकले, लेकिन एस की मोम का तो सवाल भी नहीं उठता कि वो पोकेमोन मास्टर हो। तो यार अगर ये सारे के सारे ट्रेनर्स जिसको हमने पहले कभी देखा है उनमें से कोई पोकेमोन मास्टर होगा, तो यार वो तो प्रोफेसर ओक ही होना चाहिए, या फिर सिल्वर भी हो सकता है, जियोवानी भी हो सकता है, बिकॉज इनका रहस्य काफ़ी बड़ा है। लेकिन जियोवानी का तो होने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे, बिकॉज यार वो एक गंदा बच्चा है, मतलब बुरा प्राणी है, और बुरे प्राणी को पोकेमोन मास्टर बनाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यार हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, और यार कोई भी पुराना कैरेक्टर जो है पोकेमोन मास्टर हो ही ना, बिल्कुल कोई नया बंदा हो पोकेमोन मास्टर जिससे एस कदम ने कभी मिला नहीं हो, लेकिन यार वो काफ़ी फेमस हो, उसकी शक्ल किसी ने देखी नहीं हो, पोकेमोन वाले स्टार्टिंग में सेटअप कर देंगे कि यार ये है पोकेमोन मास्टर, हम सोचेंगे ये कौन है, और लास्ट में बताएंगे ये है वो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यार पोकेमोन मास्टर में काफ़ी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, पोकेमोन वाले चाहे जिसको यार कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यार अभी जस्ट मुझे एक बात को नोटिस किया मैंने कि यार शायद तक ये इसकी जर्नी एंड नहीं हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है ना जिसको तुम लोग सुनोगे तो बोलोगे ओ भाई साहब ये तो हमारी आंखों के सामने था, हमने इसको कैसे मिस कर दिया, वो तो मैं अगली वीडियो में बताता है। लेकिन यार पोकेमोन अवार्ड शो में वोट करो, सैना मिस्टी चाइजार्ड ग्रीन निंजा भाई एक एक वोट से हार सकते हैं, अगर हार गए तुमने वोट नहीं किया तुम्हारे एक वोट के कारण तुम्हारा फेवरेट पोकेमोन हार सकता है, वोट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पोक्विज का आंसर दो, बाय बाय।